जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए देखते हैं आज की खबरें। नगर निगम सदन की बजट बैठक आज ढप पड़ी। सफाई व्यवस्था को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गई। शहर विकास को गति देने सत्ता पक्ष द्वारा पेश किए गए 15 अरब से अधिक के बजट पर चर्चा करने सुबह ही जैसे ही सदन में आसंदी ने चर्चा की शुरुआत की तो विपक्ष पहले से ही महापौर और सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया। बैनर पोस्टर के साथ निगम सदन में पहुंचे विपक्ष ने ढप पड़ी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था पर मौन रहने पर ऐतराज जताया। उनका कहना था कि महापौर इस समस्या पर यह कहकर झाड़ रहे हैं कि यह कंपनी कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच का विवाद है, लेकिन शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का एक बड़ा दायित्व उनके ही कंधों पर है और कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी शहर के ही युवा हैं। ऐसे में इतनी संजीदगी बरतनी चाहिए कि कम से कम शहर में ठप हो चुकी डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था दुरुस्त हो सके। हो चुका है। आज बजट पर चर्चा होनी थी। जिस दिन बजट प्रस्तुत होना था तब हमने सदन की मर्यादा का ख्याल रखा। बजट पेश हो रहा था, हमने जो पूर्व में मर्यादा चलती आ रही है, परंपरा है, उसका ख्याल रखते हुए हम लोग शांत रहे। आज बजट में चर्चा है। विगत एक माह से आप देखते हैं शहर के आधे से ज्यादा क्षेत्रों में जल संकट की ये स्थिति है कि ऐलानिया कहा गया है कि हम एक टाइम पानी देंगे और एक टाइम में भी 10 मिनट से ज्यादा पानी नहीं दिया जाता। पूरा रांझी का जो क्षेत्र है पूरा बैठा है जल संकट को लेकर। पिछले एक सप्ताह से आप देखिए स्थिति डोर टू डोर की क्या स्थिति है। महापौर का गैर जवन रवैया जो है वो नकारात्मक रवैया आम जनता के लिए, वो कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं ऐसा प्रतीत होता रहा पिछले एक सप्ताह से आम जनता को। एक शब्द भी उन्होंने डोर टू डोर के विषय में नहीं कहा, न कोई प्रयास किए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप। 1500 करोड़ से ज्यादा का बजट प्रस्तुत किया सदन में कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं, इसीलिए तो 1500 करोड़ के ऊपर का आपने बजट प्रस्तुत किया। और आज डोर टू डोर वाले कर्मचारी जब 2 माह का वेतन के लिए बोलते हैं तो महापौर जी कहते हैं हमारा और ठेके कर्मचारियों का मामला नहीं है, ये कर्मचारी और ठेकेदार का मामला है। अरे वो कर्मचारी भी तो शहर के थे महापौर जी, जो वो हमारे साफ सुथरा रखते हैं हमारे शहर को, घर घर से कचरा लेते हैं, इसके कारण हमारा शहर रैंकिंग में आता है। लेकिन महापौर जी ना जाने कौन सा व्यक्ति का तो उनका स्वार्थ है डोर टू डोर के विषय में कि वो चुपचाप रहे। आज वो वक्तव्य जरूर देंगे सदन में। हमारा जो आज प्रदर्शन था वो आज के लिए नहीं था। आज हम आपसे कुछ नहीं सुनना चाहते। एक सप्ताह तक जो आप अपने मौन रहे उसका विरोध था हमारा कि आपने आज शहर की जनता को कचरे कूड़े में रहने को मजबूर कर दिया। अगर आपको ठेकेदार को नहीं रखना था तो आज आपने क्यों ठेकेदार के हाथ पैर जोड़कर उसको साथ आप डोर टू डोर कर रहे हैं नगर निगम। अगर आपकी पूरी व्यवस्थाएं थी तो आप वो व्यवस्था दूसरे 24 घंटे के बाद ही आप सुचारू रूप से चला सकते थे। आप तुरंत डोर टू डोर की व्यवस्था चलाते, जैसा कि आप पूर्व में कह चुके हैं कि हमारे पास पूरी व्यवस्थाएं हैं, हम शहर की जनता को परेशान होने नहीं देंगे। लेकिन आपने एक सप्ताह तक शहर की जनता को परेशान किया। आज अगर सदन नहीं होती तो मैं चुनौती के साथ बोल सकता हूं कि आज भी डोर टू डोर की हड़ताल समाप्त करने का कोई प्रयास महापौर द्वारा नहीं किया जाता। इस बात का आज हमारा सदन में विरोध है, हमारा डोर टू डोर का विरोध है, हमारा जल संकट को लेकर विरोध है। आधे से ज्यादा पार्षद चाहे वो किसी भी दल के हो, सब जल संकट से जूझ रहे हैं और महापौर बड़ी बड़ी घोषणाएं करने में व्यस्त है, बड़े बड़े बातें करने में व्यस्त है। इनकी नगर सत्ता, आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी का रवैया भी जनहित में नहीं रहा। वो चाहते तो चर्चा कराते, हम चर्चा कराने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो बजट में चर्चा कराने के लिए बोल रहे हैं। बजट शहर हित में है, लेकिन शहर हित के पहले जो वर्तमान जनता परेशानी से जूझ रही है उस पे चर्चा कौन कराएगा महापौर जी? आज इसका हमारा विरोध था। ये थी आज की खबर। और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।